ये वक्त आ गया मुझ पे कि उस 2% के वकील की वजह से आज मलिक जलाल अदालत में खड़ा हो। नहीं यार, खुद बताइए आप, मुझे ना आपकी काबिलियत पे हो रहा है शक। कल का बच्चा है, हाँ, आपसे हैंडल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना, बता दीजिए, कोई बात नहीं है, मैं दूसरी फर्म हायर कर लूँ। लेकिन आपके लिए ना शर्म से डूब मरने का मकाम है ये। आई मीन सीरियसली, क्या कर रहे हो तुम लोग? अदालत है, पुराना वकील है अपना, चलो। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं डे 1 से अदालत में अर्ज कर रहा हूं कि मेरे क्लाइंट मलिक जलाल पर बेबुनियाद और झूठी FIR दर्ज हुई है और मेरे क्लाइंट अपनी निजी मसरूफियात और सेहत के इश्यूज की वजह से अदालत हाजिर होने से कासिर है, जिसकी तफसील मैं कोर्ट में बयान कर चुका हूं। मिस ईशा ने उन पर जो इल्जाम लगाए वो झूठे और बेबुनियाद है। मेरे क्लाइंट ने अपने तहरीरी बयान में पहले ही अर्ज कर दिया था कि मिस ईशा का उनके घर आना जाना था। मिस ईशा उन्हें पसंद करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी, और जब मेरे क्लाइंट ने इनकार किया तो मिस ईशा ने उनसे बैर बांध लिया। साफ बात है मिलॉर्ड, जब एक खूबसूरत लड़की को धुतकारा जाए तो बदला लेने का सोचती है, और मेरे क्लाइंट कोई आम आदमी नहीं है, एक जानी मानी सियासी शख्सियत है, और मिस ईशा ने मेरे क्लाइंट के नाम और शौहरत को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो कि गोल्ड डिगर लड़की यही कर सकती है। मेरे क्लाइंट पर इल्जाम है कि वो मिस ईशा के भाई उमर और वालदा रशिंदा बेगम के कत्ल में मुलविस है। हर जी होश खुली आंख से देख सकते हैं ये एक हादसाती मौत थी। इस केस में मेरे मौकिल को कातिल नामजद करके उनकी हैसियत और उनके सियासी साख को नुकसान पहुंचाया, बल्कि मौकिला ने अपने जाती इंतकाम को भी तस्कीन पहुंचाई। ये केस बहुत वाजा है मिलॉर्ड, मिस ईशा ये वही है जिन्होंने मेरे क्लाइंट मलिक जलाल से रवाबित बढ़ाने की कोशिश की और धुतकार पर इंतकाम का रूप धार लिया। मैं मलिक असलम अपने क्लाइंट मलिक इजलाल को इस मौजिज अदालत से बेगुनाह साबित करके फरेबियों के चेहरे आश्कार करूंगा। थैंक यू वेरी मच। डिफेंस प्लीज। यस माय लॉर्ड। ये केस दिखने में जितना आसान और सिंपल नजर आ रहा है उतना है नहीं, और मेरे काबिल दोस्त ने बिल्कुल ठीक फरमाया, ये केस महज एक इंतकामी कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं। गुरूर और ताकत के नशे में चूर जब एक अय्याश शख्स को अपनी मनपसंद लड़की ना मिले, बदले में रिजेक्शन मिले, तो एक तकब्बुर का मारा ताकत के नशे में चूर माय लॉर्ड यकीनन वही सब कुछ करता है जो मलिक जलाल ने किया। मेरी मौकिला ईशा और मलिक जलाल की बहन मेनायल का आपस में दोस्ताना था, वो आपस में क्लास फेलोज थे, और जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के घर में आना जाना भी था। वहीं पे मलिक जलाल को मेरी मौकला ईशा पसंद आ गई, उन्होंने इनको हासिल करने के लिए हर तरीका आजमाया मानो, लेकिन रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि इनके घर पर अपना रिश्ता भी बिछवाएं, और जब हर तरीका नाकाम हो गया मेलॉर्ड, तो उन्होंने मेरी मौकिला ईशा और उनके भाई उमर को किडनैप कराया और उन पर तशद्दुद भी किया, जिनकी सारी की सारी वीडियोस आज भी इंटरनेट पे मौजूद। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती मेलॉर्ड,
जब मेरी मौकिला ईशा बीबी ने अपने आप पर होने वाले तशद्दुद पर आवाज उठाई तो उनके भाई को झूठे केस में फंसाया गया, उनको जेल भिजवाया गया और माय लॉर्ड इसी मौजूद अदालत के बाहर उनका कत्ल करवा कर उनकी मौत को हादसाती रंग करार दे दिया गया। लेकिन इनका जुल्म यहीं पे खत्म नहीं हुआ माय लॉर्ड। ईशा बीबी के वकील यानी के मुझे शावेज अहमद को कत्ल करने की धमकियां दी गई, मेरे घर पे हमला करवाया गया और इस केस से पीछे हटने को कहा गया और इनकार की सूरत में मेरी मौकला ईशा बीबी की वालदा रक्षंदा बेगम को कत्ल कराकर उसको भी हादसाती रंग करार दिया जा रहा है। लेकिन मैं शावेज अहमद इस कोर्ट में यह साबित करूंगा कि ये दोनों अमवात हादसाती नहीं बल्कि कत्ल है। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त ये कह रहे हैं कि मेरे क्लाइंट मलिक इजलाल ने इन्हें डराने धमकाने के लिए फोन कॉल्स किए। कहा है फोन कॉल्स का सबूत? माय लॉर्ड, सारे के सारे सबूत मेरे पास मौजूद है जिनको मैंने फोरेंसिक्स में भेजा हुआ है, जिनकी रिपोर्ट आते ही मैं उनको अदालत में पेश करूंगा। अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। क्या हो गया वकील साहब, क्या हो गया? आपकी फर्म न जाने कब से हम लोगों के साथ काम कर रही है, इस बार जो आपने बोला उससे ज्यादा दिया है यार आपको। एक ये 2% का वकील नहीं संभाला जा रहा आपसे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि जब भी तारीख होगी मलिक इजलाल वहां आके खड़ा हो जाएगा? हाँ शाबाश, ये ना मर्दों वाली बात। चले मिलता हूँ शाम में। इजलाल जी, खत्म कर दें इस खेल को। ना बीवी बनो काली बिल्ली ने। जब मैं कहीं अच्छे काम से जा रहा होता हूँ तुम रास्ता काट देती हो मेरा। और हाँ, वो मैंने तुम्हें बताया नहीं, खेल में ना मुझे पोलो बहुत पसंद है। देखिए तुमने वो जो घोड़े पे बैठ के डंडे से बॉल को मारते हैं, पर इस दफा बॉल जो है ना वो मैं शावेज को बना रहा। क्या आइडिया दिया। कार्रवाई का आगाज करें। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने पिछली हायरिंग पर रिपोर्ट पेश करने का कहा था। इनकी खामोशी से लग रहा है कि ये सबूत पेश नहीं कर सके। माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूशन को इस बात की आगाही होनी चाहिए कि हाई प्रोफाइल केसेस में अननोन नंबर से कितनी कॉल्स आती हैं। अभी हमारा सिस्टम इतना जनरेट नहीं हो सका कि इन सारी कॉल्स को ट्रेस किया जा सके, लेकिन फिर भी अपने वादे के मुताबिक जो कॉल्स मैंने फोरेंसिक में भेजी थी उसकी रिपोर्ट आपके सामने वाज़ेह है और मिस ईशा के भी कॉल रिकॉर्ड्स आपके सामने मौजूद है, जिससे ये बात जाहिर होती है कि मलिक इजलाल ने इनको कितनी बार फोन कर करके हैरास किया। माय लॉर्ड, टेलीकॉम कंपनी के रिकॉर्ड और फोरेंसिक रिपोर्ट से बात वाज़ेह होती है कि इसमें जो ऑडियो है वो मिस्टर इजलाल की ही है। सबूत के तौर पे मेरे पास ये ऑडियो मौजूद है जज साहब, जिसको मैं अभी प्ले कर रहा हूं। तुम्हारी माँ है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो दुनिया में अकेली रह जाएगी, सो पीछे हट जाओ। आपको इस बारे में कुछ कहना है? जी माय लॉर्ड, मैं दरखास्त करूंगा अदालत से कि मेरे काबिल दोस्त का फोन अपनी तहवील में लेकर फॉरेंसिक कराई जाए। मुझे यकीन है कि इन्होंने अपने मतलब की रिपोर्ट अदालत में पेश की है। यस माय लॉर्ड, मैं अदालत की अटेंशन एक बार फिर चलान की तरफ ले जाना चाहूंगा। कोर्ट के बार बार नोटिस के बावजूद केस की मरकजी मुलजमा मिस मिनाल मलिक अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुई है। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज
उनको कोर्ट में आने का पाबंद किया जाए ताकि ये केस तेजी से आगे बढ़ सके। विलॉर्ड, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मेरे क्लाइंट मलिक अजलाल की बहन मिनाल मलिक का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी वो इन दिनों हनीमून के सिलसिले में शहर से बाहर है। अगर ऐसी बात है जज साहब कि मिनाल मलिक कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकती, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदालत से कि उनको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन बात करने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये सारा का सारा खेल उन्हीं पर डिपेंडेंट है। माय लॉर्ड, परमिशन ग्रांटेड। मिनाल मलिक को ऑनलाइन आकर क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरने की पाबंद किया जाता है। थैंक यू। मिलॉर्ड, डिफेंस अगली पेशी पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अगली पेशी पर भी जा सकेंगे। डिफेंस एक काबिल वकील हैं, इनके केस जीतने की एक तवील फहरिस्त है। डिफेंस इस केस को जीतने के लिए इस हद तक चले गए कि इन्होंने मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने इनके घर पर फायरिंग कराई, इनकी जान लेने की कोशिश की, इन्हें फोन करके डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं डरे। मेरे फाजिल दोस्त अदालत को ये बताना चाहेंगे कि वो इतना सब कुछ होने के बावजूद इस केस से पीछे क्यों नहीं हटे। इस केस में आखिर ऐसा क्या है जो इस केस से ही अभी तक जुड़े हुए। माय लॉर्ड, मैं अदालत की तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि इस केस को तूल देने के लिए मेरी पर्सनल जिंदगी में इंटरेस्ट ना लें तो बेहतर होगा। और रहा सवाल इनका कि मैं इस केस से पीछे क्यों नहीं हटा, तो मैं अपने फाजिल दोस्त को ये वाजे करना चाहता हूं कि अगर हक और सच की आवाज बनने में डर लगता तो मैं कभी भी वकील बनना पसंद नहीं करता। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। क्या आप अदालत को बताना चाहेंगे कि आप इस केस से इसलिए जुड़े हुए हैं क्या आप ईशा को पसंद नहीं करते, क्या इनसे मोहब्बत नहीं करते, क्या इनसे शादी करना नहीं चाहते? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं अपने फादर दोस्त से यह कहना चाहूंगा कि इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया जाए। मैं इस बात को सबूत के साथ पेश करूंगा अदालत में माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवरऑल। डिफेंस को अपनी सफाई में कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। मैं अपने फाजिल दोस्त पर इल्जाम नहीं लगा रहा, इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास गवाह मौजूद है, और मैं उस गवाह को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा जो रक्षिंदा बेगम के कत्ल की चश्मदीद गवाह है। गवाह को पेश किया जाए। बिल्किस बेगम, विटनेस बॉक्स में तशरीफ लाइए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, चलान में इस किस्म के किसी विटनेस का नाम मौजूद नहीं है। गवाह बहुत सहमी भी थी, ये अदालत आना नहीं चाहती थी, इन्हें स्पेशल नोटिस देकर बुलाया गया है, और इनकी गवाही इस केस का रुख बदल देगी। डिफेंस को क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा वक्त दिया जाएगा। थैंक यू माय लॉर्ड। अरबाज, क्या बात है, बड़ा चेंज ले जाए, कोई नई चाल है क्या? कोई चाल नहीं है। जो तुमने मुझे वर्दा के बारे में बताया और मैंने जो उस वीडियो में देखा उससे मुझे यकीन हो गया, और तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे भाई ने बहुत गलत किया है, और मुझे आज समझ आया कि दौलत और ताकत के नशे में मैंने बहुत लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी। अब तुमने जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का फ़ैसला कर ही लिया है, तो जो तुम बोलो मैं वो करूँगी। तुम दो मर्दों के इंतकाम में नुकसान तो हम दो औरतों का ही हो रहा है ना, तुम लोगों का क्या जा रहा है? लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। माय लॉर्ड, बिल्किस पिछले 4 साल से मिस ईशा के घर पे मुलाजिमा है,
मैं इनसे कुछ सवालात करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस ईशा के घर में आप 4 साल से काम कर रही हैं। उनके चाल चलन से तो अच्छी तरह वाकिफ होंगी। आई मीन्स उनके भाई और वालदा के साथ उनके कैसे ताल्लुकात थे, ये तो आपको पता होगा। जी, उमेर साहब कई सालों से कनाडा में, ईशा बाजी हर वक्त उनसे फरमाइश करती रहती थी, कभी तोहफों की कभी पैसों की। उमेर साहब हर वक्त उन्हें डांटते रहते थे। डांटते रहते थे, लेकिन क्यों? ईशा तो उनकी अकलौती बहन थी। मुझी उमेर साहब के जाने के बाद ईशा बाजी बहुत बिगड़ गई थी। उनकी मुख्तलिफ लड़कों से दोस्ती थी, वो उन्हें घर लेने और छोड़ने भी आते थे। इस बात पे ईशा बाजी और रक्षिंदा बाजी के रोज झगड़े होते थे। रक्षिंदा बाजी फोन करके उमेर साहब को सब बताती थी। इस बात पे उमेर साहब उनसे नाराज होते थे, घर से निकलने पे भी उन पे पाबंदी लगा दी थी। पर बूढ़ी अकेली माँ कैसे रोक सकती है, और ईशा बाजी किसी की सुनती भी तो नहीं थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये गैर जरूरी सवाल करके मेरी क्लाइंट की बिला वजह इंसल्ट कर रही। मैं साबित करूंगा माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवरऑल्ड। जी बिल्किस, जिस दिन घर में आग लगी उस दिन आप घर में मौजूद थी? जी, उस दिन मैं काफी छुट्टियों के बाद काम पे गई थी। इस बीच उमेर साहब की मौत हो चुकी थी, मेरे गांव में शादी थी ना। जिस दिन आप काम पर आई उस दिन आपने क्या देखा? जी, मैं बहुत दिनों बाद गई थी, मुझे ठीक से तो नहीं पता कि उनके घर के हालात क्या चल रहे हैं, लेकिन मैंने देखा रक्षिंदा बाजी ईशा बाजी पे बहुत गुस्सा कर रही थी। क्यों गुस्सा कर रही थी, वजह नहीं पता चली? वो जी, रक्षिंदा बाजी ने ईशा बाजी को गलत हरकत करते हुए देख लिया था। गलत हरकत? क्या मतलब, क्या गलत हरकत करते हुए देखा था? वो असल में ईशा बाजी के किसी के साथ गलत ताल्लुकात थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। डिफेंस, मेरी गवाह को सच कहने से रोकना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवरऑल। हाँ तो बिल्किस, मिस ईशा के किसके साथ गलत ताल्लुकात थे, जज साहब को बताइए कि वो कौन था। उमेर साहब के बाद घर में कोई मर्द नहीं बचा था, ईशा बाजी को मजीद आजादी मिल गई थी। नाम बताए उस शख्स का जिसके साथ आपने ईशा बीबी को गलत हरकत करते हुए देखा था, जिस पर रक्षिंदा बेगम ने उनको डांटा था। अदालत को नाम बताइए। जी, ये जो वकील साहब है ना, इनका घर पे आना जाना बहुत था। ईशा बाजी के जिन लड़कों से दोस्ती थी ये भी उनमें से एक है। इन दोनों को ही रक्षिंदा बाजी ने रंगे हाथों पकड़ा था। I object my lord. Objection my lord. Thank you my lord. वो दोनों आपके सामने झगड़ा कर रही थी? नहीं जी, वो दोनों तो कमरे में थी, मैं तो बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। ईशा बाजी कह रही थी रक्षिंदा बाजी को कि उन्होंने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो वो उन्हें भी उमेर भाई की तरह अपने रास्ते से हटा देंगी। वो मुसलसल वकील साहब के साथ फोन पे रابطे में थी। फिर कुछ देर बाद वकील साहब घर पे आ गए। उनके आते ही ईशा बाजी ने मुझे जाने को कहा। मेरे जाते ही आंख लग गई और रक्षिंदा बाजी मर गई। मेरी रक्षिंदा बाजी बहुत अच्छी थी। केस बहुत वाज़े है माय लॉर्ड। घर में सिर्फ 3 लोग थे, मेरे काबिल दोस्त ईशा और जल के मरने वाली रक्षिंदा बेगम, और इन दोनों को हराश तक नहीं आई। मेरे काबिल दोस्त बिल्कुल सही कहते हैं, यह हादसा नहीं है, मर्डर है, जो बाकायदा प्लानिंग के तहत किया गया। रक्षिंदा बेगम को बाकायदा मर्डर किया गया, मारा गया, क्योंकि वो ईशा की आजादाना रविश से गायब थी। मेरे क्लाइंट और गवाह के बयान से यह बात साबित हो चुकी है माय लॉर्ड कि ईशा एक ग्रेविक किरदार की मालिक है। अपनी आजादाना रविश में उन्होंने अपने भाई और वालदा को रुकावट महसूस किया। मिस ईशा ने मेरे फाजिल दोस्त के साथ मिलकर उन दोनों को रस्ते से हटाया, क्योंकि मेरे फाजिल दोस्त ईशा से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। माय लॉर्ड, मिस ईशा के साथ मेरे फाजिल दोस्त भी इस केस में मुजरिम साबित होते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि शावेज का लाइसेंस मंसूख करके इनके साथ मुजरिमों वाला सलूक किया जाए। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि शावेज पर कत्ल का मुकदमा दायर किया जाए और दरख्वास्त करूंगा कि इस केस पर दोबारा से तहकीकात का हुक्म दिया जाए। योर ऑनर, मुझ पर झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगा के केस का रुख जानबूझकर मोड़ा जा रहा है।
ये गवाह झूठी है क्योंकि आज से पहले मैंने इनको कभी देखा ही नहीं। I would request to cross-examine her. चश्मदीद गवाह को सुनने के बाद ये अदालत ईशा और शावेज को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। दो मिनट बात कर। थैंक यू। तुम्हें कहा था ना, हो जाओ मेरी। क्या जेल में सड़ना पड़ेगा जाके। बहुत गंदा खेल खेला है तुमने इजलाल, लेकिन ज्यादा देर तक तुम्हारा ये खेल चलेगा नहीं। हाँ, फिलहाल तो जेल में तुम बंद हो रही हो। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी तुम्हारी जबान भी बंद करवा। तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी बेवकूफी है, जो मुझ पे इतना भरोसा किया। मैं तो किसी लेवल तक भी जा सकता हूँ, ट्रस्ट मी। मुलाजमा की गवाही तो तुमने खरीद ली, लेकिन इंसाफ नहीं खरीद पाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना मलिक इजलाल, जीत हमेशा सच और हक की ही होती है। अब नहीं होती मेरी जान, आज के दौर में नहीं। जिसके पास जितना माल उसका उतना बड़ा कमाल। तुम्हारी जितनी औकात थी तुमने उस हिसाब से वकील किया, और मेरी जितनी औकात है मैंने उस हिसाब से पूरा। जेल में बैठ के सोचना कि किया क्या है मेरे लेकर चला। हाँ प्लीज लेके जाओ। आइए आप चलते हैं। आपके केस ने एकदम अलग मोड़ ले लिया है। आप तो इंसाफ के लिए निकले थे और आप ही अरेस्ट हो गए, क्या बोलेंगे इस बारे में? कुछ नहीं कहना चाहते। पीछे पीछे हट जाए, आप लोग हट सकते हैं। साहब आप तो कुछ नहीं। बड़ी बाजी, बड़ी बाजी, बड़ी बाजी। हाँ यार ठीक है। क्या हो गया बाजी को? पुलिस ने पकड़ लिया है, आप जल्दी से टीवी देखें। जी केस में अहम पेशरफ्त हुई है। घर का भेदी लंका ढाए। मुलाजमा की गवाही पर ईशा, उनके वकील शावेज खानजादा पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। ईशा और उनके वकील शावेज खानजादा कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वकालत का लाइसेंस भी जब्त कर लिया गया है। सियासी रहनुमा मलिक अजलाल की सियासी मौत होने से बच गई है। फोन अलाउ नहीं है, वालदा का फोन है मुझे। चलो कर लो दोबारा, पता नहीं कब नसीब हो। जी मां। शावेज मेरी जान, ये तुम्हें और ईशा को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? मां वो मुलाजमा ने हमारे खिलाफ गवाही दी है। मैं करता हूँ आपको बाद में फोन कर। बस हो गई। मैं मरियम बेटा मेरा बैग लाओ, जल्दी से जल्दी लाओ बेटा। हेलो, तुम्हें सबने मना किया था ना रामीन, अब देखिए अपनी हमदर्दी का नतीजा। जालिमों से यूं डरा नहीं करते, जुल्म खत्म होके रहता है। एक बात कहो, ये सब कुछ तुम्हारी अपनी बेवकूफी की वजह से हुआ है। अरे जरूरत क्या थी एक पराई लड़की को घर लाने की और तो शावेज को उसके केस में धकेलने की। हैट्स ऑफ टू यू। किसी ना किसी ने तो ईशा का साथ देना था ना।
वो मजबूर थी, बेसहारा थी। और उस बेसहारा और मजबूर लड़की ने तुम्हारे अपने बेटे का करियर तबाह कर दिया, मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ दिया। बड़ी ही मजलूम बेसहारा लड़की थी, है ना? मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, शावी जरूर सुरखुरु होगा। तुम और तुम्हारी सोच। देखो रामी, सोशल वर्क घर से बाहर अच्छा लगता है, तुम तो उसे घर उठा लाई। वो मुलाजमा कैसे गंदे गंदे इल्जाम लगाए थे शावेज के ऊपर। ओह माय गॉड, मुझसे तो सुना ही नहीं जा रहा था। एंड बाय द वे, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि इजलाल जैसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। यही सोच तो खत्म करनी है, किसी को तो ऐसे लोगों का गुरूर तोड़ना है ना। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वो इनका मुंह तोड़ जवाब देगा। अरे क्या जवाब देगा, इस वक्त तो शावेज की अपनी जमानत जब्त हो गई है, उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है। इनफैक्ट उसे तो अपने लिए खुद एक वकील का बंदोबस्त करना पड़ेगा जो उसे बेगुनाह साबित कर दे। Honestly speaking, heads up to your ideas. Bye. इम्तियाज साहब से बात हुई तुम्हारी? अच्छा ठीक है, तुम कोर्ट जाके देखो कि बिल का क्या हो सकता है। शावेज। माँ, आप क्यों आई? I'm sorry बेटे, मैंने तुम्हें ये केस करने पर फोर्स किया। कैसी बातें कर रही हैं आप, अभी से हार मान लीजिए। नहीं, बस इस तरह तुम्हें यही तो काम है हमारा, आप फिक्र न करें, बहुत जल्द घर आ जाऊंगा मैं। मैंने दो तीन घर से बात की है, मगर कोई तुम्हारा केस लेने के लिए तैयार नहीं। अंदाजा था मुझे, मैं इजलाल यही तो चाहता है। इस केस के लिए तुम्हारा बाहर आना बहुत जरूरी है शायद। यही तो चाल चली है उसने, यही चाहता है वो कि ये केस कोई ना ले, ताकि ईशा केस का कुछ ना बन सके। एक काम करें आप, फहद से बात करके देखें, शायद वो ये केस ले लें। तुम्हारा कुबेर होने के संस्कृत एक अच्छा लॉयर भी है, आई थिंक दैट वुड टू हेल्प। तुम परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे लिए हूँ, आई एम हियर फॉर यू। जानता हूँ पूरी दुनिया में एक वाहिद हस्ती है आप, तो जान लेती है मेरे दिल में क्या चल रहा है। चलो शाबाश, अब जाए। You take care. I will. बेटा किसका? और मैं मां किसकी हूं? मुझे ईशा से भी मिलना है, आई वांट टू सी हर। ईशा,
आंटी। बेटा परेशान नहीं होते, हौसला रखो, ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। अभी तो तुमने बहुत जंग लड़नी है निशा, इंसाफ की जंग इतनी आसान नहीं होती। आंटी मैं बहुत शर्मिंदा, मेरी वजह से शावेज की भी गिरफ्तारी हो गई, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। शावेज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, मैं बस ये चाहती हूँ बेटा कि तुम्हें हर सूरत इंसाफ मिले। अब शावेज को भी इस केस में मुलव्वस कर लिया गया है, इससे पहले हम ये जंग सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, अब ये हम सबकी जंग है। हौसला रखो, be brave।